महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हरियाणा पुलिस पर पिछले कुछ दिनों से सवालों की बौछार हो रही है। पुलिस की कार्यप्रणाली को विपक्ष भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इन सवालों के बीच में पुलिस ने अपनी कार्यप्रणाली में जरा भी फेरबदल नहीं किया। इसके चलते रेवाड़ी महिला थाने में पिछले 30 दिन से चक्कर काट रही एक महिला की सुनवाई नहीं होने पर रविवार को उसने गुरुग्राम स्टेशन पर सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही जीआरपी ने उसे दबोच लिया। उसके बाद जैसे ही रेवाड़ी पुलिस को सूचना मिली, एक टीम गुरुग्राम पहुंच गई और महिला को अपने साथ लेकर रेवाड़ी आई। मेडिकल करवाने के चंद मिनटों में ही दुष्कर्म का केस दर्ज हो गया। राजस्थान के मुंडावर की रहने वाली एक महिला ने तलाक के बाद गुरुग्राम में रहने वाले एक युवक के साथ 3 माह पहले प्रेम विवाह रचाया था, जिसके बाद से दोनों रेवाड़ी में किराए पर रह रहे थे। 1 माह पहले पति के परिजन उसे अपने साथ लेकर गुरुग्राम पहुंच गए और उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। महिला ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए रेवाड़ी महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन महिला थाना पुलिस शिकायत लेकर कार्यवाही करना भूल गई। यही कारण रहा कि महिला लगातार 1 माह तक थाने के चक्कर काटती रही और फिर पुलिस के आला अधिकारियों को भी शिकायत दी, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिलने पर आज महिला गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर सुसाइड करने पहुंच गई। इसकी जानकारी रेवाड़ी के एक सामाजिक कार्यकर्ता को लग गई। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और सूचना के बाद गुरुग्राम जीआरपी पुलिस ने महिला को अपने कब्जे में ले लिया। इधर आनन फानन में रेवाड़ी से एक टीम गठित कर गुरुग्राम रवाना की गई। देर शाम महिला को रेवाड़ी लाया गया और उसका मेडिकल कराया गया, जिसके चंद मिनटों में उसके पति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया। सवालों के घेरे में पुलिस अब केस दर्ज हुआ। केस रेवाड़ी महिला थाना पुलिस पर कई सवाल खड़े कर रहा है। पहले महिला थाना पुलिस इस दहेज का केस मानकर काउंसलिंग करने की बात कह रही थी, लेकिन महिला ने जब सुसाइड करने की कोशिश की तो फटाफट मेडिकल हुआ और चंद मिनटों में दुष्कर्म का केस भी दर्ज हो गया। आपका? सर मेरा नाम विजय रानी। विजय रानी, क्या मामला है सारा? सर मेरी पुलिस थाने में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या कार्रवाई है, किस चीज की कार्रवाई है, क्या मामला है? सर मेरे सास ससुर ने मारपीट करी और मेरे हस्बैंड ने मेरा बाड़ा गिरवा के और मेरे को छोड़ के भाग गया और मेरे को किराए के मकान पे मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ। क्या आपका कुछ समाज के लोगों ने साथ दिया रेवाड़ी? हाँ सर। फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, आप क्या कहना है इसका और आप कैसे क्या सारा? वाली मैडम अब कोई कार्रवाई कर रही है? नहीं। और क्या बोली मैडम? सर 10,000 रुपए की मांग। 10,000 रुपए। क्या मामला है सारा? ये मामला, ये लड़की 4-5 साल से उस लड़की के साथ रह रही थी। अब 1-1.5 महीने पहले इसके छोड़ के भाग गया या लड़ाई करके गया, कैसे ये नहीं पता। इसने कंप्लेंट दी थी कि मेरा पति को ढूंढो, हमने भरसक प्रयास किए, गुड़गांव में गए, इसके लड़के के माँ बाप को बुलवाया, उन्होंने दिलासा दिलाई कि हमारी मौत हो गई है और उसके बाद हम उसको। मैडम ये महिला कह रही कि मैंने 1.5 महीने पहले भी शिकायत दी थी, फिर भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मैं SP से लेकर DSP तक भी पहुँच चुकी, फिर भी मैडम मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। नहीं, ये 1 महीने पहले आई थी, मैंने इसको एम्बुलेंस में बिठा के एडमिट करवाया था, इन्होंने इलाज के लिए मना कर दिया। मैडम आज भी ये महिला कहीं बाहर जा रही थी कि आत्महत्या करने के लिए, फिर भी 1 DSP साहब ने टीम गठित करी है, उसके बाद ही इसको मेडिकल के लिए लाया गया है। नहीं ऐसा मेरे सामने कुछ नहीं है। आरोप भी लगाए थे कि महिला थाने मुझसे पैसे भी मांगे जा रहे थे। आरोप तो पता नहीं इसने लगाया होगा, लेकिन ये सामने लाके बता तो नहीं रही। इन्होंने लिखित में शिकायत भी दी है कि हमारे से 50,000 रुपए लेने की डिमांड भी की गई थी। ये तो मेरे को नहीं पता।